हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शाहिद सर्विस एजुकेशन पॉइंट बेटा आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक तो इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज प्रॉब्लम्स ऑफ द फाइनेंस तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनफैक्ट मैं हर किसी टॉपिक को इंटरेस्ट क्यों बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन जो है आप स्किप करें ठीक है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा वो सारे लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं भाई वो सारे लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है तो आपको हर कोई जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे हर कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आप ये ना सोचो कि भाई चार यूनिट्स है चार यूनिट्स में से ये वाला पोर्शन हम मतलब छोड़ ही देते हैं हाँ उन बच्चों के लिए जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है आई एम सॉरी टू से आई एम सॉरी टू से बिकॉज हमारी जो क्लास होती है ना वो ऑलवेज हिटिलिजनस क्लास होती है तो बहुत सारे ऐसे कम बच्चे हैं कम बच्चे हैं जो ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स तो जो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जिनमें बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो उनके लिए मैं मतलब एक सिंपल सी मतलब स्ट्रैटी है अगर यहाँ पे आपके पास चार यूनिट्स है तो चार यूनिट्स में से आप दो यूनिट्स आराम से कर सकते हो लेकिन वो दो यूनिट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चनज़ हैं वो हर कोई क्वेश्चन आपको फिर पढ़ना है अगर आप दो यूनिट स्किप भी करते हो तो कोई इशू नहीं आपको मोर देन सिक्सटी आप को मार्क्स आएंगे ठीक है तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो आज का टॉपिक हमारा क्या है इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या इनिशिएटिव इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बहुत आराम से आपको समझ आएगा अगर हम बात करेंगे कि इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव प्राइवेट इदारे हैं तो इनका क्या रोल बनता है किसमें हायर एजुकेशन में वाई वाई देयर मस्ट बी द इनिशिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर या वाई मस्ट दियर बी द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन सबसे पहले ये समझते हैं और बिल्कुल ये आम अगर हम किसी आम इंसान से बात करेंगे तो वो भी अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकता है और अच्छा खासा जवाब दे सकता है देखिए जब हम गवर्नमेंट में आपको दो सेक्टर्स में सॉरी हमारी कंट्री में दो दो सेक्टर्स आपको मिलेंगे तो अगर हम अपनी कंट्री बा, की बात करेंगे देयर आर पहला पॉइंट देयर आर देयर आर टू सेक्टर्स इन आ कंट्री या किसी भी कंट्री में कोई भी कंट्री आप लो हर किसी कंट्री में दो दो सेक्टर्स होते हैं वन इज कार्ड एज पब्लिक सेक्टर यस पब्लिक सेक्टर एंड अनदर इज कार्ड एज प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ओके Now, what is this public sector and what is this private sector? Jo public sector, hai, it is being controlled by government. It is being controlled by government. And this private sector, jo hai, it is being controlled by a big businessman or a private person who is interested in it. समझ आ यहाँ पे मतलब मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन की तो एजुकेशन सेक्टर में भी आपको दो सेक्टर्स हैं वन इज द पब्लिक सेक्टर अनदर इज प्राइवेट सेक्टर तो पब्लिक सेक्टर जो एजुकेशन का है वो डील करेगा कौन गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो ये पब्लिक सेक्टर ऑफ एजुकेशन इज होली एंड सोली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट सही है ना लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है अगर कोई बिजनेसमैन इंटरेस्टेड है कि एजुकेशन को लेकर वो इंटरेस्टेड है तो कोई बिजनेसमैन और ए पर्सन हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस हायर एजुकेशन हम बात करेंगे अगर वो हायर एजुकेशन में मतलब इंटरेस्टेड uh, है तो ही कैन हैव अ कंट्रोल ओवर दैट आगे देखेंगे कि क्या कंट्रोल में सर समझ में नहीं आ रहा है आपको अच्छे से समझ आएगा बेटा यहां पे आप टाइटल देखो क्या है कि इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन टू द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन हमारा टॉपिक है ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा डिस्क्राइब द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन तो आपको स्टार्ट कैसे करना है आपको अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो दो सेक्टर्स से, हैं वन इज द प्राइवेट सेक्टर अनदर इज पब्लिक सेक्टर तो पब्लिक सेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन इट इज होली एंड सोली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट वेदर इट इज द कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट राइट ओके फिट अनदर इज प्राइवेट सेक्टर अब देखो प्राइवेट सेक्टर का क्यों इनिशिएटिव हम बता रहे हैं गवर्नमेंट कितना करेगी यार गवर्नमेंट मतलब इतने सारे कॉलेज आप देखते हो इतने सारे यूनिवर्सिटीज आप देखते हो फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इट हैज नॉट येट अचीव द यूनिवर्सैलिटी यानी इन ऑर्डर टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो गवर्नमेंट कितना करेगी भाई तो पॉपुलेशन को अगर हम देखें कि कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में तो गवर्नमेंट तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एवरी स्टेप रिलेटेड टू दायर एजुकेशन सो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करेंगे जो पर्सन है जिनको लगता है कि हम इसके साथ डील कर सकते हैं वो प्राइवेट इधारे डेवलप कर सकते हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकते हैं तो वही इंसान प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इनिशिएटिव ले सकता है स्टार्ट कर सकता है जिसको इसमें इंटरेस्ट है और याद रखना है प्राइवेट सेक्टर इज़ सो मच माय डियर अगर हम बाहर कंट्री के बाहर या हमारे जे के बाहर हम देखेंगे बहुत सारे कॉलेज हैं माई डियर तो वो कौन चला रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन चला रहे हैं बड़े बड़े मतलब प्राइवेट पर्सनस चला रहे हैं जिनको एजुकेशन को लेकर बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट होता है आरीगेटिंग में पॉइंट तो देर आर सो मनी यूनिवर्सिटीज सो मनी कॉलेजेस आउटसाइड द जे के आप देख सकते हैं हालांकि यहाँ पे बहुत सारे काम अभी कॉलेजेस हैं लेकिन इनिशिएशन हो रहा है यहाँ पे भी बहुत सारे प्राइवेट अगर हम मेडिकल लाइन की बात करेंगे कितने मतलब पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ पर आए या इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो एम बी बी प्रोफेशनल कोर्सेज करा रहे हैं ठीक है तो यहां पे भी थोड़ा स्टार्ट हुआ है क्यों आपको सोचना है क्यों क्योंकि भाई गवर्नमेंट कितना कर सकती है कितना मतलब एफोर्ड uh, कर सकती है कि ताकि हायर एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन सबके लिए फ्री नहीं रखी जाएगी क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी आपको कहा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज ऑलवेज देयर तो इसलिए यूनिवर्सिटी को चाहे कि थोड़ा बहुत फ्री नहीं रखी नहीं चाहिए एजुकेशन हायर एजुकेशन तक थोड़ा बहुत फी हमें मतलब लेना पड़ता है किनसे स्टूडेंट्स से ठीक है तो इसीलिए बेटा क्योंकि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के पास इतने सारे मतलब स्ट्रैटीज नहीं है कि ताकि वो हंड्रेड परसेंट हायर एजुकेशन दे सके ठीक है तो इट्स इट्स नॉट इट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट सो दैट इज वाई दियर मस्ट बी सम प्राइवेट सेक्टर्स जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं और ये भी स्टार्ट करेंगे क्या हायर एजुकेशन कैसे बिजनेसमैन के पास फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो बड़े बड़े इदारे डेवलप कर सकता है एस्टेब्लिश कर सकता है जहाँ पे हम बच्चों को क्या दे सकते हैं हायर एजुकेशन दे सकते हैं आई होप बेटा दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू लेकिन कोई प्राइवेट पर्सन जो इनिशिएटिव लेना चाहता है किसमें हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है वो अपने इधारा एक हायर एजुकेशन बनाना चाहता है डेवलप करना चाहता है लेकिन गवर्नमेंट को पहले वो देखना है क्या उस पर्सन में वो कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है एंड यू हैव टू कीप ए चेक ऑन इट अगर उसने इंस्टिट्यूशन खोला है तो उसका फीस स्ट्रक्चर को देना है क्या ये ज़्यादा बच्चों को एक्सप्लॉय तो नहीं कर रहा है

तो क्या ये यू अकॉर्डिंगली यू जी सी के नॉर्म्स के तहत जाता है कि नहीं जाता है तो वी हैव टू कीप ए चेक ऑन इट ठीक है ना बेटा तो इससे क्या होगा तो गवर्नमेंट का जो लोड है एजुके हायर एजुकेशन का वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है नंबर वन नंबर सेकंड जो है बहुत सारे बच्चे मतलब यूनिवर्सिटी तो नहीं जाएंगे अभी uh, मतलब फॉर एग्जांपल देयर आर हंड्रेड सीट्स इन योर एजुकेशन लेकिन मोर देन टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड स्टूडेंट्स विल अपीयर इन एग्जामिनेशन तो सौ या दो सौ बच्चे एबजॉर्ब होंगे यूनिवर्सिटी में व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो प्राइवेट सेक्टर उनके लिए इंपॉर्टेंट है अगर सौ बच्चे गवर्नमेंट थ्रू पढ़ेंगे और दो सौ तीन सौ बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे प्राइवेट इदारों में पढ़ सकते हैं तो इससे क्या होगा हायर एजुकेशन आम हो जाएगी यार हायर एजुकेशन का आम होना मीनज़ हमारी कंट्री डेवलप होगी समझ आ गया तो हायर एजुकेशन में क्रीम गेट इज़ डेवलप्ड या ब्रीनज़ गेट इज़ डेवलपड जो हमने ऑलरेडी हायर एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी हमने फंक्शनज़ पढ़े हैं कि यूनिवर्सिटी के फंक्शनस क्या होने चाहिए ठीक है तो जाहिर सी बात है अगर हम अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहते हैं तो एजुकेशन को आम करना है एजुकेशन को आम करना है ठीक है एजुकेशन फॉर ऑल चाहे वो प्राइमरी है सेकेंडरी है हायर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा और हायर एजुकेशन सबको मिलनी चाहेगी तो इससे क्या होगा तो इससे हमारी डेफिनेटली कंट्री डेवलप हो सकती है ठीक है तो ये था प्राइवेट ये व्हेन यू गो थ्रू द पेजेस ऑफ द नोट्स और द बुक माय डियर मैंने ऑलरेडी अवेलेबल रखे हुए हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट मैं अभी भी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देता हूँ उसको जाके आप क्लिक करोगे आप डायरेक्टली नोट्स पे आ जाओगे एंड देन यू हैव टू बाय द नोट्स ओके तो सिंपल है सिंपल है बिल्कुल इजी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो ये नोट्स आप उसी पर पढ़ेंगे ठीक ठीक तो आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया कि इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन में लेट मी टेल यू वन थिंग ओनली क्योंकि गवर्नमेंट कितना कर सकता है गवर्नमेंट के पास उतनी ज्यादा अभी फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम क्वालिटी कंट्रोल को लेकर प्रॉब्लम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट कितना फंड अलोकेट करेगी तो इट इज इंपॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट हाँ तो मतलब रन द हायर एजुकेशन सो इसलिए इसका बर्डन कम करने के लिए देयर मस्ट बी ए वॉट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जो स्टार्ट कर सकता है हायर एजुकेशन लेकिन वो इंसान वो पर्सन हायर एजुकेशन को स्टार्ट कर सकता है जो उसमें इंटरेस्टेड हो और जो जिसमें जो वर्थ हो अगर उसने अब स्टार्ट कर भी लिया तो गवर्नमेंट को चाहे कि उस पर नज़र रखे चेक करें उसका एग्जामिनेशन उसका फ़ीस स्ट्रक्चर उसके प्रोटोकॉल्स एटसट्रा तो उसको ये भी चेक करें कि क्या वो स्टूडेंट्स को तो एक्सप्लॉयड नहीं कर रहा है ये भी हमें देखना है ठीक है तो हमारी कंट्री और एक पॉइंट इसमें लिखना है कि हमारी कंट्री में कितने ऐसे कॉलेज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना ही होगा या देव कॉलेज माता विष्णु देवी यूनिवर्सिटी इसी तरह बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट इदारे हैं जहाँ पे आपको हायर एजुकेशन मिलती है और वो भी ज़बरदस्त एजुकेशन लवली प्रोफेशनल आप देखो व्या हाईली एडवांस्ड यूनिवर्सिटी इज़ देयर राइट right? तो आपने नाम सुना ही होगा तो वहाँ पे जो भी बच्चा जाता है ना वहाँ से जब वो निकलता है तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट होती है ठीक तो ये प्राइवेट सेक्टर का काम है ठीक है तो प्राइवेट सेक्टर से भी हमारे हमें हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा या मिल रहा है सो दैट इज़ वाई देयर इज ए नीड ऑफ वट इनिशियेटिव ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन गो थ्रू माई नोट्स माई डियर एक पेज का कॉन्सेप्ट है वहां पर पे एक पेज में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है यू गो थ्रू दैट एंड जस्ट मेमोराइज दैट तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी ये क्वेश्चन चांसेज है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द इनिशियेटिव ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ़ हायर एजुकेशन तो ये था इसका क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में लास्ट uh, क्वेश्चन जो है इसका तो दैट इज रूसा देखो रूसा को थोड़ा बहुत हम इंट्रोड्यूस करेंगे लेकिन वो कल पढ़ेंगे बेटा रूसा इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस दिस वेरी यूनिट तो वी हैव हाँ जो बाकी दो यूनिट्स है ना वो बिल्कुल इजी है ये दो यूनिट्स थे थोड़ा बहुत इसमें सिलेबस थोड़ा ज्यादा था लेकिन जो दो यूनिट्स है लाइक वुमेन एजुकेशन इज देयर एंड देन इन्वामेंटल एजुकेशन एंड देन वैल्यू एजुकेशन वो बिल्कुल सिंपल है उसमें मतलब वैल्यू के बारे में नीड एंड इम्पोर्टेंस वो बिल्कुल इजी है लेकिन जो ये दो यूनिट्स थे ना ये काफ़ी लंबे थे तो दैट्स वाई इतना ज़्यादा टाइम हमें लगा लेकिन लेकिन जो नेक्स्ट टू यूनिट्स है उसमें हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो जस्ट स्टे विद योर शायद सर एंड इनशा एवरी विल बी ओके मैं हर कोई पॉइंट डिस्कस करूँगा और हाँ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे किसी बच्चे ने मुझे पेपर भी सेंड किया था इतना इजी पेपर आया था, था कि पूछो मत यार हमने सब कुछ किया है एवरी पॉइंट हमने डिस्कस किया है ठीक है और एवरी पॉइंट आपके नोटिस में मिलेगा ठीक है तो नेक्स्ट इज जो रूसा है आर यू एस ए रूसा अगर ये क्वेश्चन आया बेटा अगर ये क्वेश्चन आया जो भी रूसा के बारे में आएगा जैसे भी आएगा चाहे आपको सब क्वेश्चन समझ आता है नहीं आता है तो जो मैं यहां पे पढ़ाऊंगा जैसे ही मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा और जो मैंने नोट्स पे लिखा है तो आपको उसी एंगल से लिखना है टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जब रूसा जब आप देखोगे तो आपको सब कुछ वो लिखना है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसमें जो शॉर्ट आंसर आ सकता है हार्डली कि रूसा की फुल फॉर्म क्या है या रूसा को कब डेवलप किया गया यानी रूसा को कब अपॉइंट किया गया या रूसा क्या है ठीक है ये आ सकते हैं एक एक क्वेश्चन तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीीम है देखिए भाई यहाँ पे तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे रूसा के रिलेटेड हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे और ये तीन चीज़ें हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि रूसा को लेकर हमें किन किन पॉइंट्स को देखना है वन इज़ इंट्रोडक्शन वन इज़ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है अपॉइंटमेंट कब अपॉइंटमेंट इसका है ये सिकीम किसके रिलेटेड है ऐसी सारी चीज़ें रूसा की फुल फॉर्म क्या है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तो अगर हिंदी टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे इट इज हिंदी टर्मिनोलॉजी एंड इज कॉल्ड नेशनल हायर एजुकेशन मिशन नेशनल हायर एजुकेशन मिशन भी इसको कहते हैं तो दूसरा पॉइंट जो इस पर आपको फोकस करना है इसका बैकग्राउंड मतलब वाई 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 स्कीम रूसा वाई क्यों क्या मजबूरी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है रूसा क्या रीजन था ओके नंबर थर्ड इज फंडिंग इंट्रोडक्शन में आपको ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स आपका एक पार्ट है देन सेकेंड पार्ट है इसका बैकग्राउंड ओके थर्ड इज़ फंडिंग प्रोसेस को लेकर बात करेंगे कितना फ़ंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी कितना फ़ंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एंड देयर आर सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर इसमें यूटी में भी आता है तो वो कितना फ़ंड एलोकेट करेगा हायर एजुकेशन के रिलेटेड ये हम बात करेंगे इंशाल्लाह कल तो आज इतना ही बेटा मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने Uh, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा आज थोड़ा बहुत ही पढ़ा आई एम सॉरी फॉर दैट लेकिन जितना भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया तो हम लेटस रिकेप्युलेट हमने क्या पढ़ा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आज हमारा जो टॉपिक था कि इनिशियटिव इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन और दूसरा हमने पढ़ा कि रूसा का इंट्रोडक्शन मैंने बताया रूसा को हमने तीन डिविजनज में Uh, मतलब वी हैव कैटेगोराइज दिस रूसा टू थ्री डिविजनज़ वन इज़ इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट अनदर इज बैकग्राउंड पार्ट एंड देन थर्ड इज़ द फंडिंग पार्ट तो इन ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे एंड कीप ऑलवेज लर्निंग और हाँ बेटा अभी तक बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि नोट्स को परचेज करने के लिए लेकिन वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ डू कॉल मी प्लीज़ डू कॉल मी इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी अगर आप कॉल नहीं कर सकते हो तो ऐप में भी हमें चैट बॉक्स है अब आप ऐप थ्रू भी मुझसे चैट कर सकते हो बेटर इज़ अगर आप मुझे कॉल करोगे तो माई नंबर इज़ माई डियर सेवन सेवन एट ज़ीरो तो दिस इज़ माई नंबर सेवन सेवन एट जीरो एट वन सेवन थ्री जीरो टू बहुत सारे बच्चों के पास नंबर नहीं होगा तो ऐप जो है आप डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने नोट्स रखे हैं यहाँ आपको डाउनलोड करनी है शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट प्ले स्टोर में वहाँ पे आपको स्टोर पे जाना है स्टोर पे मैंने बहुत सारे बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है तो अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो इंटरेस्टेड क्या आपको ये लेने ही लेने बेटा बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा तो इट विल इट विल हेल्प यू टू तो लर्न वेरी ईजीली राइट तो आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑल लर्निंग